हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत करती हूँ। आज हम मूंग दाल के लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले 3/4 कप मूंग दाल लेंगे और एक मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। मूंग दाल पिस चुकी है, अब इसको एक कढ़ाई में डाल देंगे। और हल्का रोस्ट कर लेंगे। इसे 2 मिनट तक रोस्ट करने के बाद इसमें 4 चम्मच घी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। घी डालने के बाद इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे, इसे ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, इसे हल्का ही गोल्डन ब्राउन रखेंगे। ध्यान रहे, घी डालने के बाद ये सॉफ्ट ही होना चाहिए। अगर ये टाइट होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग घी बढ़ा सकते हैं। ये घी घर पर बना हुआ घी है। अगर आपको नहीं पता कि घर पर घी कैसे बनता है तो इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसे फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गई हैं। अब गैस बंद कर देंगे। अब इसमें घिसा हुआ नारियल, कुछ खरबूजे के बीज, और कुछ कटे हुए बादाम डालकर मिला लेंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये थोड़ा गर्म है, इसे ठंडा होने देंगे और फिर इसके लड्डू बनाएंगे। प्लेट को नीचे से टच करके देखेंगे, ये हल्का ठंडा हो चुका है। अब इसमें 1/2 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसे मसलते हुए सभी में अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से मिल चुका है, अब इसके लड्डू बना लेंगे। इसी तरीके से सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। मूंग दाल के लड्डू बनकर तैयार है। ये
ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप इसे घर पर एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।